हेलो दोस्तों, अपने चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आज आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करने का बहुत आसान और इफ़ेक्टिव तरीका बताऊंगी। हफ्ते में एक बार करना ज़रूर है। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स क्यों होते हैं? हमारी स्किन बिल्कुल प्लेन नहीं होती, उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और जब स्किन उन्हीं पोर्स के अंदर हमारी स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, डर्ट, धूल, मिट्टी, वो जमा हो जाती है, उससे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन को बहुत डीपली क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये ऑयली स्किन वालों के साथ ज़्यादा होता है, ड्राई स्किन वालों के साथ ऐसा कम होता है। वैसे होता सभी को है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो आपको तीन स्टेप बताऊंगी जिससे आप अपनी स्किन को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बना सकते हैं। इससे आपका रंग भी गोरा होगा, पोर्स की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो प्रॉब्लम ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की वो भी ख़त्म होने वाली है। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा। तो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए हम करेंगे तीन स्टेप फॉलो। तीनों स्टेप फॉलो अगर आप हफ्ते में एक बार कर लेते हैं तो आपको कभी भी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होगी। तो तीन स्टेप में हम करेंगे सबसे पहले स्क्रबिंग, फिर हम पील ऑफ मास्क तैयार करके लगाएंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे मास्क। मास्क क्यों लगाना है? क्योंकि जिससे हमारे जो पोर्स ओपन हो चुके हैं वो मिनिमाइज हो जाए, श्रिंक हो जाए। ठीक है, मास्क क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, कुछ बनाना नहीं है, एक चीज सिर्फ अपने चेहरे पर रब करनी है आपको। तो हम तैयार कर लेते हैं स्क्रब। स्क्रब तैयार करने के लिए मैंने लिया है ये 2 चम्मच दूध स्क्रब। यहाँ से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका स्क्रब कैसे करना है ये भी बताऊंगी। तो पहले स्क्रब को रेडी कर लेते हैं। 2 चम्मच दूध लिया है और उसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया है ये चावल का आटा, और साथ ही हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है ये कॉफ़ी। कॉफ़ी का ये एक पाउच 1 रुपये वाला आता है, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और हमें एक ये गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अगर आपको लगे कि ये पतला हो गया है तो आप इसमें और चावल का आटा और कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि गाढ़ा हो गया तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चावल का आटा, और अब हम इसको करेंगे मिक्स। तो दोस्तों, स्क्रब बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसको करने का तरीका बताती हूँ। तो अगर आपकी स्किन है ऑयली तो आप बहुत अच्छे से स्टीम लेंगे चेहरे पर, या तो आप स्टीमर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो उसका यूज़ कीजिए, अगर स्टीमर नहीं है तो आप एक भगोना ले लीजिए और उसको उसे पानी भर के गैस पर रखिए, उसको बॉयल होने दीजिए। पानी बॉयल होने लगेगा तो एक टॉवल लेना है, उसको थोड़ा सा ढकना है, और चेहरे पर कम से कम आपको 2 मिनट पहले स्टीम लेनी है, और स्टीम लेने के बाद आपको ये स्क्रब चेहरे पर लगाना है और अपने चेहरे पर अच्छे से रब करना है 2 से 3 मिनट तक। फिर से आपको स्टीम लेते लेते ही बीच बीच में स्टीम लेनी है और आपको ये स्क्रब फेस पर लगाना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो, अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है, नॉर्मल है तो भी आप स्टीम इस तरह ले सकते हैं, लेकिन अगर ड्राई है या सेंसिटिव है तो डायरेक्ट आप स्टीम नहीं लेंगे, ना ही स्टीमर से, ना ही आप भिगोने के ऊपर फेस करेंगे अपना। आप गर्म पानी लेंगे, उसमें एक तौलिया डिप करेंगे और उसको अपने फेस पर 1 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद आप गर्म पानी लेंगे, तेज़ गर्म पानी लेंगे, और स्क्रब उसको अपने चेहरे पर लगा लेंगे पानी को थोड़ा सा, और स्क्रब लगा लगा के, वो गर्म पानी लगा लगा कर आप चेहरे पर स्क्रब करेंगे। आपको गर्म पानी से ही स्क्रब करना है, चाहे स्टीम लेते हुए करें, चाहे गर्म पानी लगाकर आप चेहरे पर स्क्रब करें। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है स्क्रब का, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया हुआ है, वीडियो मेरे चैनल पर है, जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन अब हमने पहले ये स्क्रब बना लिया है, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले हम अपना मास्क भी रेडी करेंगे, क्योंकि जब हम स्क्रब कर लेंगे उसके फौरन बाद 1-2 सेकंड में ही हमें मास्क अप्लाई करना है। हमें अपने चेहरे को सूखने नहीं देना है, बहुत ज़्यादा ड्राई होने नहीं देना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ब्लैक हेड्स ठीक से रिमूव नहीं होंगे। तो स्क्रब को पहले एक साइड रख देते हैं, हम पील ऑफ मास्क रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये चारकोल पाउडर लेना होगा, ये बहुत ही अच्छे से स्किन की गंदगी को निकाल देता है, एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देता है, और साथ ही ये हमारी स्किन को गोरा भी बनाता है, क्योंकि स्किन पर जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो सब ये खींच कर निकाल देता है। ये बहुत ही खास चीज़ होती है, खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए, जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये एवरयूथ का पील ऑफ जो आता है मास्क, ये आप ले लीजिए, इसका पाउच भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं, और हफ्ते में एक बार आपको ये यूज़ करना ही करना है। हमने 1 स्पून लिया है चारकोल पाउडर, और 1 स्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये पील ऑफ मास्क। अब हमें इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को हेल्दी बनाते हैं, और स्किन हमारी ग्लोई रहती है, और
टेंशन फ्री रहती है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अब हम कर लेंगे ये मिक्स। तो पील ऑफ मास्क हमारा रेडी हो गया है दोस्तों। अब पहले हम स्क्रब कर लेते हैं और फिर हम फटाफट से इसको लगाएंगे। स्क्रब करने के फौरन बाद ही आपको इसे लगाना है, सिर्फ बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब स्क्रब ले लीजिए आप, और इस स्क्रब को अपने चेहरे पर आपको इस तरह से लगाते जाना है और स्क्रब करते जाना है। स्क्रब करने का तरीका बता चुकी हूँ, गर्म पानी लगाकर करना है या फिर स्टीम लेते हुए करना है। बहुत अच्छे से आपको अपने चेहरे पर स्क्रब करना है। हाथ पे करके बता रही हूँ, बिल्कुल यही प्रोसेस आपको चेहरे पर रिपीट करना है और इससे बिल्कुल आपका चेहरा साफ हो जाएगा, ग्लोई हो जाएगा। आपके जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है तो वो तो रिमूव हो ही जाएंगे, आपके जो पोर्स ओपन हो चुके हैं वो भी इससे श्रिंक हो जाएंगे। जो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, तीनों स्टेप आपको फॉलो करने ही करने हैं। जब आप स्क्रब पूरी तरह से कर लेंगे, कम से कम 5 मिनट आपको लगेंगे, पहले आप स्टीम भी लेंगे फिर आप स्क्रब भी करेंगे, तो इसमें आपको 4 से 5 मिनट लग सकता है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर देंगे। इसके बाद मैंने वॉश कर दिया है और मैंने इसको पूरी तरह से नहीं सुखाया है, सिर्फ हल्का टैप टैप करके मैंने इसको सॉफ्ट कपड़े से इस तरह से पोंछ लिया है। अब हम ये अप्लाई करेंगे, या आप पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं जो हमारा मास्क है, इसको आप या तो फिर अपनी सिर्फ उसी एरिया पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, और अदरवाइज आप इसको पूरे चेहरे पर लगा लेंगे तो कोई इसका नुकसान नहीं है, आपको पूरा चेहरा भी चमकने लगेगा, तो प्रॉब्लम तो दूर होंगी ही आपकी। इसको पूरी स्किन पर, पूरे अपने फेस पर अच्छे से इसको अप्लाई कर लीजिए। और हाँ, इसको जब आप लगाएंगे तो एक आपको थिक लेयर लगानी है, यानी कि एक मोटी सी परत आपको लगानी है, ज़्यादा पतला नहीं लगाइएगा, वरना आप जब इसको निकालेंगे तो ये पूरी तरह से अच्छे से नहीं निकल पाएगा। और साथ ही जब स्क्रब करने के फौरन बाद हम इसको लगा लेंगे तो हमारे जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, और जैसे जैसे ये सूखता जाएगा वैसे वैसे वो इसके ऊपर चिपक जाएंगे और इसको हम जब निकालेंगे तो ईजिली हम उनको निकाल सकते हैं। मास्क उतारने के बाद अब आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है, जिसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव किया है तो हमारे पोर्स ओपन हो चुके हैं और उसको हमें बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम पैक यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो बंद नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने एक ये पीस ले लिया है आइस का, और एक कॉटन का कपड़ा आपको लेना है, रुमाल ले लीजिए या कुछ भी, और उसके अंदर आपको रखना है ये पीस आइस का, डायरेक्ट फेस पर नहीं लगाइएगा, कपड़े में ही रख के लगाना है, और इस तरह से थोड़ा थोड़ी देर में आपको पूरे चेहरे पर रखते हुए इसको अपने पूरे चेहरे के पोर्स को बंद कर देना है। ये आपको 5 मिनट तक करना है बस, इससे ज़्यादा आपको चेहरे पर आइस नहीं लगाना, सिर्फ आपको 5 मिनट तक इस तरह थोड़ी थोड़ी देर में पूरे चेहरे पर रखते हुए आपको लगा देना है, ठीक है। जब 5 मिनट हो जाएंगे तो हटा दीजिएगा और अपने फेस को इस तरह से आप किसी भी कपड़े से या टैप टैप करके इस तरह से सुखा लीजिए और बिल्कुल चेहरा आपका चमकने लगेगा। इसमें क्या हुआ कि हमने स्क्रब भी कर लिया, पैक भी लगा लिया और हमने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी रिमूव कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करना है। मैं मिलूंगी ऐसी यूज़फुल सी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।